ये गौरी को क्या हुआ? बड़ी उदास लग रही है। हमें कुछ करना होगा। हाय गौरी, हमें माफ कर दो। हम जानते हैं कि आप हमसे नाराज हो, क्योंकि जब हम दोनों शॉपिंग पर गए तो हम थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड थे, पर यू नो कि शादी एंड ऑल, इस सब से हम थोड़ा टेंस्ड हैं। नो वे, अब हम ये तुम्हारी बहानेबाजी नहीं सुनने वाले। इतने दिनों से कितना वियर्ड बिहेव कर रहे हो तुम। ऐसा मत कहो गौरी, हम तो तुम्हारे पुराने फैन हैं। ओह फैन, पर अब तो तुम होने वाले हबी हो ना, फिर तो प्यार से बात कर सकते हो, रोमांटिक हो सकते हो। एटीट्यूड क्यों झाड़ते हो? जब देखो तब कद्दू की तरह बस मुंह सड़ाए रहते हो। ऐसे क्या कहा? कद्दू और नहीं तो क्या? ऐसे टू बी ऑनेस्ट काली, युगिस शादी से खुश नहीं है ना। चुप कर पगली, पागलों वाली बात मत कर। युगेश शादी से बहुत खुश है। नहीं, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। तू देख ना, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं। मतलब ही इज सो अनरोमांटिक। हमें लगता है कि कोई एक चीज है जो उसे खाए जा रही है। इनफैक्ट उसकी केमिस्ट्री तुम्हारे साथ कितनी बेटर है ना काली। हमारे साथ वो कितना खुश रहता है, लाइवली रहता है, और जब हम दोनों साथ होते हैं तो हम वो खुशी नहीं देख पाते। क्यों, ऐसा क्यों है? क्या हम इतने बुरे हैं? वो कहता है ना कि दिल कहीं और है और दिमाग कहीं और है। आई वॉन्ट टू बी विद हिम काली, पर पता नहीं वो हो ही नहीं पाता। आई एम ट्राइंग हार्ड टू फिट इन, पर एनीवे छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। ऐसा नहीं है गौरी, हम तेरी फीलिंग समझ सकते हैं, पर अभी तुम दोनों का रिश्ता बिल्कुल नया है, और जिन हालातों में तुम दोनों मिले हो वो नॉर्मल नहीं है। उसे थोड़ा टाइम दो, वो तुम्हें पक्का समझेंगे। कुछ समझ नहीं आता, शायद हमारी आवाज का सच जानने के बाद क्यों कैसे बिहेव करने लग गया। पुरोहित जी, फिर से कुछ खा के बैठे आप हैं? कल्याणी बहू, ऐसी संवेदनशील बातों को सोच समझकर समय पर करना चाहिए। अरे धुर पुरोहित जी, इतना बड़ा बड़ा शब्द मत फेंको। तुम समझती काहे नहीं हो, दीवारों के भी कान होते हैं। तुम काली को क्या समझती हो? वो कोई मामूली लड़की नहीं है। उसने बिच्छू को उठा के ऐसे फेंक दिया था जैसे कोई बच्चे का खिलौना हो, समझी ना? कोई नई तिकड़म लड़ाओ। अरे तिकड़म का तो गोदाम भरा है हमारे पास, पर आप ठीक ही कह रहे हैं कि छोटा मोटा तिकड़म से अब काम नहीं ना चलेगा, ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ेगा। एक बड़ा वार और सब खत्म। क्या उपाय हो सकता है समस्या का? What happened, darling जी? काहे टेंशन ही आए? अरे हम टेंशन आए नहीं है, हमें टेंशन हो रही है गौरी की। गौरी की चिंता का एक एक पल हमारे लिए बरसों के समान है, और इस समय वो बहुत दुखी है क्योंकि युग उसके करीब नहीं आ रहा है। ओह, वेरी लिटिल बात।
सो इजी हमसे पूछते यू नो हाउ हमने आपको हम आपको क्या आप तो हमको ऑलरेडी लाइक करते हैं हमारी ब्यूटीज पे अपना लाइफ छिड़कते हाई तो ओनली सेइंग डार्लिंग जी कि लेडीज लोग को सब पता रहता है कि मेंस को अपने करीब कैसे लाना है तो क्या उपाय है हमें गौरी की बहुत चिंता हो रही है इधर आई अंधेरा में फायर से बर्निंग क्लॉथ का काम डन 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 बस स्मॉल पीस भी चलेगा ऐसा हो सकता है तो इस काम को हम आज ही अंजाम दे देते हैं लेकिन 10:05 से पहले क्योंकि उसके बाद फिर योग लग जाएगा ऐसा करते हैं हम युग को आज रात खाने पे बुला लेते हैं बहुत बढ़िया उपाय है अब ये मंत्री जी की मदद तो हमें करनी ही पड़ेगी ऐसा उपाय ढूंढेंगे कि उनका केस एकदम से सुलट जाए तुम्हें क्या लगता है सुना तो नहीं इसने नोज आप बहुत अच्छे से बात पलटती है हमें ऐसा क्यों लगा कि बड़के पापा ने हमें देखकर बात बदल दी हाँ मन मैं बस निकल रहा हूँ 10 मिनट ओके बाय ए बबुआ यारी दोस्ती बाद में निभाइएगा ससुराल जाइए वहां से बुलावा आया जा बाबू बुलाए खाने पर प्लीज दादी आज नहीं मैं फिर कभी चले जाऊंगा आज बहुत काम है काम धाम बाद में होता रहेगा वो अमन है ना उसको बताओ सारा दिन बेकार में रोटियां तोड़ता रहता जाना है तुमको समझे नीलू को भी बुलाए हम खाने पर जाना है हां बताए प्लीज पिशमत दादी को हैंडल कीजिए मेरी सच में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है लेकिन प्लीज प्लीज मैं कल चल जाऊंगा ओके बाय मगर कली सोना कैसे हो हम ठीक है मंजी माँ आपकी आवाज से पता चल रहा है कि आप परेशान हो नहीं हम ठीक है कली अब आपको छुपाने की कोई जरूरत नहीं आज गौरी की जान बच गई मंजीमा उसकी शादी वाली चुनरी पर एक बिच्छू लिपटा हुआ आ गया था वक्त रहते हमने देख लिया वरना हे भगवान हमारी हमारी गौरी कैसी है अब अभी ठीक है मगर मंजीमा हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि होना हो कि ताई जी की कोई चाल है आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हो सोना और आपको अब और सतर्क रहना होगा क्योंकि वो आपको अपने रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा समझती है चिंता मत कीजिए मंजीमा आपका और राम जी का आशीर्वाद है हमारे साथ हमें कुछ नहीं होगा कली आचार्य जी कैसे हैं उन्हें तो यही लग रहा होगा ना कि आप गौरी के साथ थे इसलिए वो बच गई है ना उन्हें समझने में थोड़ा समय तो लगेगा पर वो सब समझ जाएंगे पता नहीं कली हमारा दिमाग ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है लेकिन आपकी इच्छा शक्ति के सामने हमें भी ये सोचने को मजबूर होना पड़ रहा है कि शायद शायद किसी दिन आचार्य जी का अंधविश्वास टूटना नामुमकिन नहीं है यही एक रास्ता है मंजीमा राम जी के भरोसे अब हम ये काम करने जा रहे आपने ही तो हमें सिखाया था ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती हाँ कली मैंने आपको युग के लिए फोन किया था युग हाँ वो आचार्य जी चाहते हैं कि युग उनके साथ खाना खाने को आए माँ जी भी यही चाहती हैं लेकिन युग किसी की बात ही नहीं मान रहे आप तो युग की सबसे अच्छी दोस्त आप बात करोगे तो शायद शायद युग मान जाए हम रखते हैं अपना ख्याल रखना हाँ
हाँ अमन, मुझे ना इस प्रोजेक्ट को लेके बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। देखना, ये ऑर्डर हमें ही मिलेगा। चल बाय, कल मिलता हूँ। इस जगह से जरा भी हिले तो अपनी जान से हाथ खो बैठोगे। तुम और इस टाइम यहाँ पे क्या कर रही हो? और ये क्या है? आपको किडनैप करने आए। पर क्यों? डिनर पर नहीं आए, पर गर्मी के मौसम में यम्मी मैंगो शेक पीने तो आ सकते हैं ना। हम और गौरी बचपन में मैंगो शेक जमा किया करते थे और फिर उसकी आइसक्रीम समझ के उसे खा जाते थे। मंजी माँ ने सिखाया था हमें, आपको भी खिलाएंगे, आप भी क्या याद रखोगे? काली, आज सीरियसली मन नहीं है, मैं कल आता हूँ। ओ हेलो, हम आपसे पूछने नहीं आए, आपको सीधा यहाँ से लेकर जाने आए हैं। और अगर आप खुद नहीं चलेंगे ना तो हम आपको किडनैप करके यहाँ से लेकर जाएंगे। ओके, तो कर लो किडनैप मुझे। कम ऑन, करो किडनैप, मैं भी देखना चाहता हूँ कि किडनैप होके कैसा लगता है। देखिए, आप चैलेंज मत कीजिए हमें। अरे मैं चैलेंज क्या कर रहा हूँ, मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। काली प्लीज किडनैप मी ना। अरे बाप रे, ओ माय गॉड, वो देखिए ना। क्या? कार के अंदर सांप जैसा कुछ था, दरवाजा खोल के देखिए। सच्ची क्या कर रही हो? हैंड्स अप। किडनैपिंग। किसी ने हमसे कहा था अच्छी काम के लिए किडनैपिंग करना क्राइम नहीं होता। अरे चोखा नहीं दी दामाद बाबू को? हम लेकर आते ना जमाई बाबू के लिए। रुको, शर्मिला लेकर आएगी। जा। बहुत बढ़िया खाना बनाती है हमारी चुलबुली, अन्नपूर्णा है, इसी के हाथ के नीचे ना ट्रेनिंग हो रहा है शर्मिला का। जी बिल्कुल बिल्कुल। दादी नहीं जल, ठीक है ना? सॉरी। थैंक यू। इतना सारा मिर्ची पाउडर डाला मगर ये तो मजे से खाए जा रहे। अच्छा बनाती है। बहुत बढ़िया। चलिए अब अंदर आपके किडनैपर्स आपको आइसक्रीम खिलाएंगे। चलिए चलिए, और ये अपना हुलिया ठीक कीजिए, ऐसे जाएंगे तो हंसी उठ जाएगी ससुराल में। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि तुम 16 सेंचुरी से आई हो। इतनी अच्छी गाड़ी कैसे चलाती हो तुम? बस आती है। ओ,
ओके, जैसे मेडल्स के लिए उसके लिए एग्जाम लिखती थी, ट्रॉफीज के लिए उसके लिए गाना गाती थी, वैसे ही लाइसेंस के लिए ड्राइविंग सीखी होगी, राइट? काली, कार चलाना सीख लिया लेकिन लाइसेंस और पहचान उसकी है। तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है? एनीवे, लेट्स गो। जीते रहो बेटा। लेके जाइए और आते रहिएगा। जी। खड़े खड़े मुंह का देख रहे हो, दरवाजे तक छोड़ के आ जाओ। वेल डन। हाँ देखा मैंने तुम्हारा कंट्रोल, बट यू नो अगर पहले ही अपने इंसल्ट को इतनी आसानी से हैंडल करना सीख गए होते तो आज तुम्हारी वजह से चार जिंदगियां बर्बाद नहीं होती। ना समझता, अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाया, लेकिन तुम अब चाहे मुझे जितनी सजा दो हंस के कबूल करूंगा। और वैसे भी चार जिंदगियां बर्बाद नहीं हो रही, कम से कम मेरी तो नहीं। मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि कब हमारी नई जिंदगी शुरू होगी। चलिए चलते हैं। बेटा और कितनी देर इंतजार करोगी? खाना खा लो। आई डोंट फील लाइक ईटिंग। वैसे अभी तक युग क्यों नहीं आया? उसे तो कुछ पड़ी नहीं है हमारी। He doesn't care about me at all. किसने कहा? अरे युग आओ। वो एक्चुअली मैं थोड़ा काम में फंस गया था। हाँ, काम तो उसको अहमियत देनी चाहिए। ऑफ कोर्स आओ। थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। पढ़ के पापा मम्मी जी को क्या इशारे कर रहे हैं? हम भी ना बाल की खाल निकालने लगते। कोई सरप्राइज होगा अपने जमाई के लिए। लेट्स ईट। नहीं एक्चुअली मैं खाना तो खा के आया हूं, बट आई विल हैव सम डेजर्ट। गर्मियां शुरू हो गई और मैंने अब तक आम नहीं खाए। सुपर्ब, तो इस वर्ल्ड की बेस्ट मैंगो शेक आइसक्रीम इसी घर में बनती है। काली एक आइसक्रीम युग के लिए प्लीज अभी लाए। इतनी सारी मोमबत्तियों की क्या जरूरत है? घर में तो इन्वर्टर है। ए
आइसक्रीम्स। थैंक यू। थैंक यू काली। कैसी लगी? डिलीशियस। किसने बनाई है? काली ने। अरे इन्वर्टर ऑन कर दो। हो ना हो जरूर पढ़ के पापा फिर से कोई टोना टोटका करने जा रहे हैं। हमें इसे रोकना होगा।